नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Y1 पर डुअल सिम सेटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको डुअल सिम सेटिंग करना है आपके डिवाइस पर, तो आप इस वीडियो को देखें। यहाँ पर दोस्तों देख के आप यहाँ पर जान लीजिएगा कि डुअल सिम सेटिंग हमें कैसे कैसे करना होगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको पता नहीं है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपको डुअल सिम सेटिंग करना होगा तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग के अंदर पे। सेटिंग पर जाके दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा डुअल सिम, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, तो उसमें आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर मिल जाएगा डुअल सिम का ऑप्शन, ठीक है। जैसे कि मोबाइल डेटा ऑन करने का ऑप्शन, उसके बाद डुअल 4G यूज़ करना, ठीक है, तो वह सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यूज़ मोबाइल डेटा डूरिंग वॉल्ड कॉल्स ऑन द सेकेंडरी सिम, ठीक है। तो एक सिम से दोस्तों आप बात कर सकते हैं और एक सिम पर आपका वॉल्ट जो है यहाँ से आप इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कॉल पर होगा तो दोस्तों आपके जो सेकेंडरी सिम है उस पर आप डेटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पे आते हैं आपका डेटा प्लान, डेटा रोमिंग, उसके बाद ऑलवेज SMS रिसीव MMS इस ऑप्शंस, उसके बाद आप डायल कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों हमेशा जो है डायल कौन सा वाला यूज़ करने वाला है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। यदि आप मान लीजिए जियो से ही कॉल करते हैं तो जियो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसकी तरीके से दोस्तों आपको इंटरनेट कौन सा सिम पे यूज़ करना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करें। उसके बाद दोस्तों रिमेंबर सिम प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आप जाके देखते हैं तो एडवांस सेटिंग भी है, ठीक है। एडवांस सेटिंग पर दोस्तों यहाँ पर कुछ सेटिंग्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको यह मिल जाते हैं मोबाइल नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जाके दोस्तों आप ये सब देख सकते हैं, नेटवर्क टेस्ट करने का ऑप्शन, ठीक है, कि नेटवर्क कैसा है आपका, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद सिम के अंदर पे जाने से आपको सबसे पहले तो सिम का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि ऑन ऑफ करने का ऑप्शन। उसके बाद सिम नेम जो है यहाँ से आप डाल सकते हैं, जियो है उसको आप एयरटेल भी कर सकते हैं। उसके बाद सिम कार्ड नंबर आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है, अपना सिम कार्ड का नंबर, और यहाँ पर दोस्तों आप अपना नाम जो है भरना चाहते हैं जियो 4G के जगह पर रिप्लेस करके आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाते हैं SS पॉइंट्स, और यहाँ पर प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप है जहाँ से आप नेटवर्क स्विच कर सकते हैं। उसके बाद वोल्ट का ऑप्शन है और यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन भी रह गया, ठीक है। आप देख सकते हैं मोबाइल नेटवर्क ऑटोमेटिकली मैन्युअली आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस बटन को ऑन ऑफ करके। तो उसके बाद आपको नीचे में मिल जाते हैं मैक्स कॉल यूजिंग वाईफाई, तो वाईफाई कॉलिंग का फीचर ये है। तो ये हो गया दोस्तों सिम वन का। और सिम टू पे जाते हैं तो सिम टू पर भी सेम ऑप्शन है, सेम तरीके है, सेम सेटिंग्स है, ठीक है, तो आप फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों ये रहा आपका डुअल सिम सेटिंग आपके मोबाइल पे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसके रिगार्डिंग पर अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।